ऊपर चढ़ने के लिए। और यहाँ पे हमारे कुछ हॉन्टेड शिकारी गुफा के अंदर घुस गए हैं, ये देख सकते हो आप। YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आज का ब्लॉग यहाँ गुड़ोडी से शुरू हो रहा है, क्योंकि हम जा रहे हैं चला में, जो कि बहुत ही खतरनाक फेमस प्लेस है यहाँ की। और अभी हम पहुँचे हैं गुड़ोडी में, पीछे जा रही है हमारी इको। तो चलो चलते हैं, देखते हैं क्या होता है ब्लॉग के साथ, पूरा व्यू एंड रिव्यू सब। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं, कुछ बताएंगे। तो चलिए चलते हैं आपके साथ, मिलते हैं कहीं पे जाके चला में, और चला की खूबसूरती के बारे में बताते हैं और सब कुछ इस ब्लॉग में चलेगा। के बजा खोल मेरे पहले तो सही, तंजू मेरे रुल दोने दिल ना करी। मेरे आके बजा खोल मेरे पहले तो सही, तंजू मेरे रुल दोने दिल ना करी।
कि मिलने से पहले तुझे मुझे तो एहसास नहीं करता, महसूस के हर पली सोच तेरे बारे तू है पास नहीं इसका एहसास नहीं जानिए सारे जवाक ने दिल तो ने जख्मी कमजोरे अल्फाजे ने जिद से तू मैनु उस पार ते हाजिर जनाब नहीं फर्क मैं आ जावा पच के पावे मेरे गोबे पैर च कांच तेरी सुल्फ जो खिल के चेहरे पे से यहाँ का व्यू है देख सकते हो चला जो है सिनेमैटिक शॉट में आपको बता दूंगा। बाकी यहाँ पे हमारी गाड़ी लग चुकी है और यहाँ पे हम आ गए हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ठंड का इस टाइम चल रहा है दिसंबर महीना, तो इस टाइम निग्रह तरीके से ठंड है और यहाँ पे टिक्की खोल रहे हैं, अभी नाचने का प्रोग्राम बनेगा। तो ब्लॉग के साथ बने रहिए और बाकी आप भी चला आना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैप दिया है, मैप के रास्ते आ सकते हो। बहुत ही अच्छी जो एक टूरिस्ट प्लेस है यहाँ की, तो वहाँ से आप कि यहाँ पे जो है यहाँ पे एक मंदिर है ऊपर, वो पता नहीं माता जी का मंदिर है और यहाँ पे लगता था पहले लंगर, लेकिन अभी हम आएंगे आए हैं ऐसे ही घूमने के लिए। और देख सकते हो मेरे साथ है यहाँ की आज और बाकी लोग भी हैं, तो चले चिलफन और मस्ती करते हैं और बाकी बताता हूँ कि क्या क्या यहाँ पे होता है। बगत सितंबर में जून की गर्मी चका दे, तेरी चलती नजर ती की दुनिया कटा दे जान, मेरी प्यारी तभी रेत चश्मे चढ़ा के यहाँ से ये देख सकते हो पहाड़ मिल जाते हैं, वो पीछे पीछे पहाड़ नुगनाली माता, वहाँ पे वो बड़े बड़े पहाड़ जहाँ पे बर्फ पड़ी है अभी आप यहाँ से देख सकते हो, थोड़ी थोड़ी मिल रही है ये देख सकते हो बर्फ यहाँ पे वो पीछे पहाड़ के ऊपर पड़ी है। यहाँ से बहुत ही अच्छा व्यू है, तो बाकी देवदार के पेड़ हैं यहाँ पे और इस तरह से कुछ ब्यूटी है यहाँ की। बहुत से लोग यहाँ पे घूमने आते हैं और चिलफन मस्ती करते हैं और देख सकते हो पहाड़ों के चट्टानों से पानी आ रहा है। आप देख सकते हो ये नाड़ू यहाँ पे लगा दिया है और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ से पानी आ रहा है, ये पहाड़ों से निकल रहा है, आप खुद देख सकते हो इट इज रियलिटी कि पहाड़ों से पानी निकल रहा है। तो यहाँ पे पीने के लिए बहुत ही ठंडा पानी है और ये यहाँ से आ रहा है, पता नहीं कहाँ से आ रहा है, अंदर से सपड़ियों के बीच से पानी आ रहा है। तो इसके लिए एक लाइक कर दो और भी आप देख सकते हो कि काला पानी जो ब्लैक मतलब काला सा कुछ दिख रहा है यहाँ पे, कोयले से निकल रहा है पानी, यह भी चट्टानों से निकल रहा है, वो लाल निकल रहा था वहाँ पे और यहाँ पे निकल रहा है काला, तो यहाँ पे मटकी एक भरी जा रही है। तो देख सकते हो ये पानी यहाँ पे आप देख सकते हो कि गुफा है, गुफा में कुछ भी हो सकता है। तो हम जा रहे हैं हॉरर ब्लॉग बनाने और गुफा के अंदर जाने, तो यहाँ से बहुत ही खतरनाक सपड़ी है ऊपर चढ़ने के लिए और यहाँ पे हमारे कुछ हॉन्टेड शिकारी गुफा के अंदर घुस गए हैं, ये देख सकते हो आप। गाइस चलते हैं गुफा के अंदर और देखते हैं कि क्या क्या सीन है। तो यहाँ से चलते हैं अंदर, इस तरह से कुछ गुफा है। रुका यार भाई तोला यार। बहुत ही लंबी गुफा थी, अभी हम बाहर निकलने ही वाले हैं, तो मतलब इधर से लेके मतलब कम से कम 500 मीटर की ये गुफा है यहाँ। तो गाइस 500 मीटर की ये गुफा थी, यहाँ से हम बाहर निकल आए हैं अब बहुत ही खतरनाक तरीके से और है वो गुफा के साथ ऊपर टच हुआ तो लग पड़ी, तो बहुत बुरा हाल है और बहुत ही
बहुत ही अच्छी गुफा थी। अंदर ठंड भी बहुत थी, दारू की बोतलें भी मिली हमारे को, ये देख सकते हो। ये देखिए इनके पीछे सुनिए, अंदर किसी ने नाश फेंके थे।